लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, कल 7 चरणों में चुनाव होना है। चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बेगूसराय में 13 मई को मतदान होना है। बेगूसराय जिला प्रशासन के द्वारा चुनाव पूर्व की सारी कवायदें तेज कर दी गई। रविवार को आयोजित और संवाददाता सम्मेलन को जिला अधिकारी रोशन कुमार ने बताया कि जिला की में अधिसूचना की तिथि 18 अप्रैल, नामांकन की अंतिम तिथि 25 अप्रैल, संवीक्षा की तिथि 26 अप्रैल, नामांकन वापसी की तिथि 29 अप्रैल और मतदान की तिथि 13 मई और मतगणना की तिथि 4 जून की होगी। रोशन कुमार ने बताया कि जिला में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें कुल 21,86,158 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 10,36,694 महिला, 11,49,405 पुरुष मतदाता, वहीं 59 थर्ड जेंडर शामिल है। क्या शेड्यूल है, की तैयारियां हैं जिला में? क्या 16 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आसन्न लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जिसमें बेगूसराय जिले में चौथे चरण में दिनांक 13 मई को निर्वाचन प्रस्तावित है। नाम इस निर्वाचन के लिए अधिसूचना 18 अप्रैल को जारी होगी। इसमें नामांकन उस दिन से शुरू हो जाएंगे। नामांकन लेने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल रहेगी, समीक्षा 26 अप्रैल को की जाएगी और नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 29 अप्रैल रहेगी। यानी 29 अप्रैल को जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके सूची, उनके सिंबल्स ये फाइनल हो जाएंगे। मतदान जैसा बताया गया 13 मई को होगा और काउंटिंग पूरे देश में एक साथ 4 जून को होगी। आप सब जानते हैं हमारे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा सेगमेंट पड़ते हैं, जिसमें कुल 2067 कुल मतदान केंद्र हैं। इन मतदान केंद्र में लगभग 21,86,158 मतदाता आज की तारीख में हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग 13 मई को करेंगे। इनमें 11,49,405 पुरुष और 10,36,694 महिलाएं हैं और 59 जो थर्ड जेंडर उनके मतदाता हैं। पीडब्ल्यूडी मतदाताओं की संख्या कुल 21,689 है और युवा मतदाता जो 18 से 19 साल के बीच में हैं, वो लोग 32,768 हमारे वोटर लिस्ट में आज की तारीख में हैं। जैसे ही प्रेस रिलीज हुआ, उसके बाद से आदर्श आचार संहिता जिले में 24 घंटे में सभी सरकारी परिसर में, 48 घंटे में हम लोगों को सभी सार्वजनिक जगहों पर और 72 घंटे में जो भी निजी स्थान है वहां पर किया गया। अभी हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी बैठक की और उन लोग से भी अनुरोध किया है कि जो समय निर्धारित है उसके अंदर कर लें, अन्यथा फिर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो वायलेशन है उसके संबंध में या डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी का जो एक्ट है उसके संबंध में जो कार्रवाई है उसमें हम लोग करेंगे। शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी मुकम्मल व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जैसा कि डीएम साहब ने बताया, इसकी तैयारी पूर्व से चल रही थी। अपराधियों के विरुद्ध अभियान, चेकिंग पॉइंट्स, एसएसटी एफएसटी नाका बना के व्हीकल चेकिंग करना, उसके अतिरिक्त जो असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध सीसी की कार्रवाई करना, निरोधात्मक कार्रवाई, इस पर कार्य चल रहा है। 2067 बूथ हैं जिनको कि 1,088 भवनों में चिन्हित किया गया है, जिसमें सभी पे चुनाव के दिन सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति रहेगी। हम लोगों को प्री पोल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए जिले में एक बीएसएफ की एक कंपनी तैनात है, जिसका कि प्रतिदिन हम लोग समुचित उपयोग कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस स्पेशल बिल्डिंग्स में, ब्लैक मार्च में असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और हम लोग का अभियान उसमें नियंत्रण चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए पोल से पूर्व, पोल के समय हम लोग त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बनाएंगे, जिसकी डिटेल्स आपको हम सह समय जो जानकारी होगी उसको उपलब्ध करा देंगे।